हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं दोस्तों, जो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि जो आपके सोमरफिल्ड नामक क्या कहता है एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या कहता, जो बोर मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी उनको क्या कहता, पूरा किया था। यानी सोमरफिल्ड द्वारा क्या कहता, बोर मॉडल का विस्तार किया गया था। तो सबसे पहले तो जो आपके बोर मॉडल था, तो बोर मॉडल ने क्या बताया था, बोर मॉडल ने कि जो आप आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो परमाणु के क्या होते हैं, गोलाकार चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गोलाकार चक्कर लगाते हैं। ये तो किसने बताया था? बोर मॉडल ने। जबकि सोमरफिल्ड ने क्या कहा, सोमरफिल्ड ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गोलाकार कक्षाओं में चक्कर न लगाकर किस में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में। दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। सेकंड इसने बताया सोमरफिल्ड ने कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो इसकी एक तो आपकी क्या होती है, त्रिज्या, और इसका एक का ये क्या होता है, जो परिक्रमण कोण होता है, जो थीटा होता है। यहां पर हम थीटा मान लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के यानी सोमरफिल्ड के अकॉर्डिंग तो क्या हो रही है, त्रिज्या और जो आपका परिक्रमण कोण होता है दोनों क्या होते हैं, बदलते हैं। लेकिन बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होती है, केवल परिक्रमण कोण बदलता है, जबकि जो आपकी प्रमाणित जो त्रिज्या होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। थर्ड इसने बताया कि जैसे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या कर रहा है, सोमरफिल्ड के अकॉर्डिंग जैसे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, या जैसे जैसे चलता है उसका वेग क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन आपके बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, उसका इलेक्ट्रॉन का वेग क्या था, फिक्स था। इसके अलावा जो आपके सोमरफिल्ड ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, फिक्स नहीं होती, यानी अस्थिर रहती है। क्या रहती है, अस्थिर रहती है, कभी बढ़ती है और कभी घटती है। और उसमें जो छोटी छोटी जो क्या देखी थी, जो आपके स्पेक्ट्रम था उसमें कुछ छोटी छोटी और लाइनें देखी थी, उनके बारे में भी इन्होंने बताया कि उनकी ऊर्जा क्या होती है, स्थिर नहीं है। लेकिन बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, उनकी जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उस कक्षा का जो एनर्जी जो लेवल होता है वो क्या होता है, हमेशा समान रहता है। तो ये थी कि सोमरफिल्ड ने क्या कहता, बोर मॉडल का कुछ विस्तार किया था। लेकिन बाद में जो सोमरफिल्ड की भी क्या रह गई थी, कुछ सीमाएं रह गई थी, यानी ये भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो सोमरफिल्ड ने केवल क्या कमी रही थी कि जो आपका बोर मॉडल है या जो सोमरफिल्ड मॉडल है वो केवल क्या लगता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, लागू होता है, यानी जिसमें एक से अधिक क्या हो, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसके ऊपर बोर मॉडल या आपका सोमरफिल्ड मॉडल काम नहीं करता है। यानी एक से अधिक जिसमें इलेक्ट्रॉन हो उसके स्पेक्ट्रम के बारे में सोमरफिल्ड ने नहीं बता पाया, इसलिए मॉडल भी क्या हो गया, विफल हो गया। इसके बाद में एक हमारा छोटा सा टॉपिक और है, दर्वे की द्वैत प्रकृति यानी डी ब्रोगली समीकरण बोला जाता है जिसको, डी ब्रोगली समीकरण। इन जो द्रव्य होता है, मैटर होता है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो द्रव्य की द्वैत प्रकृति का मतलब होता है कि द्रव्य होता है वो भी प्रकाश की तरह क्या करता है, कण व तरंग की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। जैसे प्रकाश क्या कर रहा है, कण और तरंग की तरह बिहेव करता है, उसी प्रकार द्रव्य भी क्या करता है, कण और तरंग की तरह बिहेव करता है। इसमें क्या था, जो आपके प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है, आइंस्टीन की समीकरण है, ये आपके बोर का मॉडल, इसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो एच न्यू होता है, और ये तो किसके था आपका, प्लैंक के अकॉर्डिंग, प्लैंक के अनुसार एक आपका जो आइंस्टीन था, आइंस्टीन, तो इसका इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। तो जैसे इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, सी अपॉन लेमडा, तो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा।
इधर के एम सी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमड़ा, और लेमड़ा इजकल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में, लेमड़ा इजकल टू एच अपॉन एम सी। ये तो सी क्या है, प्रकाश का वेग अपना, प्रकाश का वेग। और अगर द्रव्य की बात की जा रहे हैं, किसकी बात करें, द्रव्य की बात करें, तो द्रव्य की बात करेंगे तो द्रव्य का वेग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v। तो c की जगह क्या रख देंगे हम, v, तो क्या हो जाएगा, लेमड़ा इजकल टू h अपॉन एम वी, लेमड़ा इजकल टू क्या हो जाएगा, p इजकल टू क्या होता है अपना एम वी, तो लेमड़ा इजकल टू क्या होगा, h अपॉन p। यानी इस फॉर्मूले के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, लेमड़ा या प्लांक कॉन्स्टेंट या अपना प्रेशर निकाल, वो सॉरी p इजकल टू क्या होता है, संवेग। तो क्या निकाल सकते हैं, संवेग और लेमड़ा भी निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार क्या होती है, द्रव्य की भी क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। इसके बाद द्रव्य की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण द्रव्य होते हैं। यानी एक तो द्रव्य होता है वो क्या करते हैं, कणों तरंग दोनों की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। एक इसका जो ये क्या होता है, निर्वात में गति नहीं कर सकता। यानी जो द्रव्य होता है वो निर्वात में गति नहीं कर सकता। यानी द्रव्य को गति करने के लिए क्या होती है, माध्यम की क्या होती है दोस्तों, आवश्यकता पड़ती है। द्रव्य को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो आपके द्रव्य के जो परमाणु होते हैं, द्रव्य के परमाणु, तो उनको क्या कर सकते हैं, अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं कर सकते हैं। ये क्या उसके कुछ गुणधर्म थे, किसके, डी ब्रोगली के। इसके बाद में इसमें भी क्या थी, इसकी एक कुछ सीमाएं थी कि दो डी ब्रोगली होती है वो भी क्या होती थी, जो आपके हल्के परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, हल्के परमाणु, उनके ऊपर तो क्या हो रही थी, लागू हो रही थी, लेकिन जो आपके भारी जो परमाणु होते हैं उनके ऊपर डी ब्रोगली समीकरण काम नहीं करती थी। या क्या होते हैं, जिसमें एक से अधिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रजेंट हो। जो हल्के परमाणु क्या होते हैं, जिसमें एक मैक्सिमम क्या होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन प्रजेंट, वो क्या होते हैं, हल्के में आते हैं। तो जिसमें क्या हो, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रजेंट हो, उसके ऊपर भी आपकी जो डी ब्रोगली समीकरण होते हैं वो लागू नहीं होती है। यानी जो भारी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर डी ब्रोगली समीकरण काम नहीं करती है। ये आपकी डी ब्रोगली समीकरण द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसके बाद में एक और सिद्धांत हमारे पास में, हाइजेनबर्ग की, या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का क्या है, अनिश्चितता का सिद्धांत। तो अपना ये हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत, तो सबसे पहले किसने दिया था, हाइजेन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो हाइजेन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कोई भी अगर क्या हो, सूक्ष्म गतिशील कण, तो कोई भी अगर सूक्ष्म गतिशील कण होता है, उनका एक साथ जो इसकी स्थिति और उसका संवेग होता है, स्थिति एवं संवेग, स्थिति और संवेग को क्या करते हैं, यथार्थता के साथ या अच्छी तरीके से परिशुद्ध रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता आपका, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता। यानी स्थिति और जो संवेग होता है उनको एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। स्थिति को क्या करते हैं, डेल एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, संवेग को क्या करते हैं, डेल पी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्थिति और जो आपका संवेग का जो परिवर्तन का जो गुणनफल होता है वो आपका एच अपॉन फोर पाई के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी डेल एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डेल पी एच अपॉन फोर पाई। यानी क्या हो सकता है, डेल एक्स इंटू डेल पी, यानी इन दोनों का स्थिति और संवेग का गुणनफल क्या होता है, एच अपॉन फोर पाई के या तो इक्वल हो सकता है, या एच अपॉन फोर पाई से क्या होगा, हमेशा अधिक होता है। और अगर एन के कक्षक की बात करें, डेल एक्स इंटू डेल पी क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन
पाई। फिर डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एम डेल वी, तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम डेल वी एच अपॉन 4 पाई। और डेल एक्स अगर याद करें तो क्या हो जाएगा, एच एच अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल एम डेल वी। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा जो आपके स्थिति में क्या होता है, जो परिवर्तन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एच क्या प्लांक कांस्टेंट है, एम क्या है द्रव्यमान है, डेल वी क्या है आपके संवेग में परिवर्तन है। तो ये अपना हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। फिर इसकी भी क्या थी, कुछ ही सीमाएं थी या कुछ लिमिटेशन थी जिसके ऊपर ये लागू नहीं होता। तो सबसे पहला तो ये होता है कि हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को कैलकुलेट एक साथ नहीं कर सकते। तो आपकी जो स्थिति और जो संवेग होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, जो पथ होता है इलेक्ट्रॉन का पथ का क्या करता है, निर्धारण करता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन के पथ का निर्धारण करता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनका स्थिति और संवेग एक साथ हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं आसानी से। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का पथ होता है वो भी एक हमेशा फिक्स नहीं रहता है, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये थी इसकी फर्स्ट लिमिटेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। सेकेंड इसकी लिमिटेशन ये थी कि जो आपके हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत होता है वो किसके ऊपर लगता है, सूक्ष्म कणों के ऊपर क्या होते हैं, लागू होता है। यानी हाइजेनबर्ग का क्या होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसी के ऊपर क्या होता है ये सिद्धांत लागू होता है। जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उसके ऊपर हाइजेनबर्ग का जो आपके सिद्धांत लागू नहीं होता है। या जो आपके भारी पार्टिकल्स होते हैं, भारी अणु होते हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो भारी पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या होती है, स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, इसलिए वो एच अपॉन 4 पाई क्या होता है, इक्वल नहीं हो पाता। इसलिए ये भी क्या रह गई थी, इसकी कमी, यानी वो सभी के ऊपर लागू नहीं होता है। तो ये तो अपना हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।